राजस्थान में आवेला माउंट आबू खाते ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस नो भव्य प्रारंभ। राजस्थान ना माउंट आबू खाते ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 3 दिवसीय नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस नो आरंभ थयो, जेमां तमाम राज्यों मीडिया प्रतिनिधिओ भाग लेवा पहुंची आव्या छे। माउंट आबू खाते आवेला ब्रह्मा कुमारीज ना मीडिया विंग द्वारा ज्ञान सरोवर खाते 3 दिवसीय नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस की भव्य शुरुआत थी छे, जेमां देशभरना विविध राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाणा, एमपी, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, उत्तराखंड थी आश्रे 300 पत्रकारों भाग लेवा आवी पहुंच्या छे। 3 दिवसीय चालनारी आ मीडिया कॉन्फरन्स में 3 दिवस राष्ट्रना विकास माटे मीडियानो रोल अने तेनी जवाबदारी विषे अलग अलग भागों में सेशन चालशे, जेमा मीडियाना रोल विषे वरिष्ठ पत्रकारों अने महानुभावों पोताना वक्तव्य आपशे। ब्रह्मा कुमारीजना मुख्य एवा बीके नलिनी दीदीना हस्ते प्रथम दिवसे आ कॉन्फरन्सनी शुरुआत करवामां आवी हती, जेमा बीके चंदा दीदी, बीके सरला दीदी, बीके रंजन दीदी, जोनल कोऑर्डिनेटर गुजरात संगीत विशारद, बीके डेविड नेशनल कोऑर्डिनेटर, बीके निकुंज, बीके ब्रिज मोहन, बीके आत्मप्रकाश, प्रोफेसर संजय त्रिवेदी वगैरह उपस्थित रहा था। कार्यक्रम ने शुरुआत बिलासपुर छत्तीसगढ़ थी आवेला बे बाळकों माही अने अविका द्वारा सुंदर स्वागत गीत द्वारा तमाम राज्यों मीडिया प्रतिनिधिओं स्वागत करवामां आव्युं हतुं। 3 दिवसीय चालनारी आ मीडिया कॉन्फरन्स में मीडिया जगतना अनुभवी संपादकों, पत्रकारों अने ज्ञानी लोगों द्वारा मार्गदर्शन आपवामां आवशे। तभी ही राष्ट्र विकास को हम एक नई दिशा दे सकते हैं, और इसलिए इसी विषय पर यह 3 दिवसीय मीडिया सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर हम सभी करेंगे मनन, चिंतन, मंथन, वर्णन और धारण। भाई बी के प्रकाश जी, वाइस चेयरपर्सन मीडिया विंग माउंट आबू, आदरणीय बी के सरला दीदी जिनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होने वाला है। नैतिक शक्ति थी जिसके नाते वो अपने जीवन को बेहतर कर पाते थे, अपनी चीजों को बेहतर कर पाते थे, वो जो है उससे जुड़े हुए। इसलिए हमें मीडिया का भारतीयकरण करने की जरूरत है, उसको संवाद की परंपरा से जोड़ने की जरूरत है। हम ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमारी सारी प्रदर्शन कलाएं, साहित्य, संस्कृति और जितनी प्रदर्शन कलाएं, बहुत सारी कलाओं का यहाँ प्रदर्शन हुआ, ये सब लोक मंगल के लिए, ये शब्द हमारा शब्द है। हमने लोक मंगल शब्द का इस्तेमाल किया, साहित्य, कला, संस्कृति, प्रदर्शन कलाएं, ये सब लोक मंगल के लिए। अगर इससे लोक का मंगल नहीं होता, लोक का कल्याण नहीं होता, तो व्यर्थ है। इसलिए हमें मीडिया को भी लोक मंगल की उस परंपरा से जोड़ने की जिम्मेदारी है, और जब लोक मंगल की बात करते हैं तो विश्व मंगल उसमें समाहित ही है, वो अलग से नहीं है। और इसलिए हमें समाज को संवाद आधारित समाज बनाना है, दिलों को जोड़ने वाला समाज बनाना है, दिलों को तोड़ने वाला समाज नहीं बनाना है। और आज के मौके पर मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता, सकारात्मक पत्रकारिता और समाधान परक पत्रकारिता, ये 3 शब्द हमारे सामने आते हैं, और इसलिए इस पर हमें आगे काम करने की जरूरत है। ये बहुत कठिन दायित्व बोध है और ये हमको लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, भारत को जानो, भारत को मानो, भारत को भारत के बनो और भारत को बनाओ। जब भारत को आप जान जाएंगे तो भारत से आप घृणा नहीं कर सकते, भारत से आप ईर्ष्या नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का जो भी विचार है वह वैश्विक विचार है, वो अपने लिए नहीं है। भारत अकेला दुनिया का एक देश है जो ग्लोबली एक्ट करता है, जो विश्व मंगल का विचार करता है। इसी रूपी रंग मंच पर हम सभी एक्टर्स अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, परंतु ये तो हुआ कि हम स्टेज पर अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, पर ओरिजिनल ड्रेस पहनकर पार्ट प्ले करने वाली मैं कौन हूं? जिंदगी में कईयों को ये प्रश्न आता है, मैं क्यों आया यहां, कहां जाना है, क्या करना है। आगे बढ़ती हूं, फिर आता है आई। आई कहता है इंस्पिरेशन, तो हमें प्रेरणादायी बनना होता है,
प्रेरणादायी बनने के लिए भी हमें आध्यात्मिकता की अति आवश्यकता है। फिर आता है डी। डी कहता है डिवाइन बनना है, क्योंकि हमारा गॉड फादर जो है वो वंडरफुल चित्रकार है, शिल्पकार है और रचनाकार है। वो गॉड है जिसके लिए